सुशांत सिंह राजपूत मामले में मुंबई पुलिस ने मंगलवार को धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ अपूर्व मेहता से 4 घंटे पूछताछ की। धर्मा प्रोडक्शन करण जौहर की कंपनी है और इसी प्रोडक्शन हाउस ने सुशांत के साथ ड्राइव फिल्म बनाई थी। इस फिल्म को थिएटर की बजाय ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया। बताया जाता है कि इसको लेकर सुशांत और करण जौहर के बीच अनबन हुई थी। वहीं इन सब के बीच सुशांत के दोस्त और को स्टार साहिल वैद ने भी कुछ ऐसा कहा है जिस पर गौर किया जाना जरूरी है। दिल बेचारा में जेपी का किरदार निभाने वाले साहिल वैद ने नवभारत टाइम्स से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने बताया कि सुशांत ड्राइव फिल्म कर फंस गए थे। साहिल कहते हैं, मुझे नहीं पता सुशांत के साथ क्या गलत हुआ। मैं इतना जानता हूं कि वह कमज़ोर इंसान नहीं थे, वह सहन करने वालों में से नहीं थे। बदकिस्मती से उनकी फिल्म ड्राइव बहुत बुरी बन गई थी, सुशांत फंस गए थे। धर्मा प्रोडक्शन के करण जौहर के लिए फिल्म को रिलीज़ करना मुश्किल हो गया था। उस फिल्म को थिएटर रिलीज नहीं मिल रही थी। यह बात झूठ है कि जानबूझकर ड्राइव को ओटीटी पर रिलीज किया गया। आपको भी एक दशक पूरा कर रहे हैं आप फिल्म इंडस्ट्री में, आप जानते हैं किस तरीके से आपने अपना सफर शुरू किया और कैसे आप काम कर रहे हैं, कई बड़ी फिल्मों का आप हिस्सा हैं। आपको कभी लगता है, क्योंकि इतनी सारी बातें हो रही हैं सोशल मीडिया में लगातार, आपको कभी लगता है कि सुशांत के करियर के साथ कुछ गलत हुआ है जो ऐसा नहीं होना चाहिए था? जैसे सोच रही है, जैसी फिल्म की आप बात करते हैं, उसके डायलॉग की बात करते हैं, आपको लगता है कभी करियर में उनके गलत किया गया हुआ, किसी ने कर दिया, गलती से हो गया, एटमॉस्फेयर ऐसा बन गया, माहौल ऐसा हो? मुझे नहीं पता। मैं आग लगाने में विश्वास नहीं रखता। मैं इतना जानता हूं कि सुशांत ऐसा इंसान नहीं था जो जिसके साथ अगर अन्याय हो रहा हो और वो सहन कर ले। अगर हो रहा होता तो पूरी दुनिया को पता होता कि उनके साथ ऐसा किया जा रहा है। हैविंग सेड दैट, मैं थोड़ा सा ध्यान ऑडियंस का इस तरफ खींचना चाहूंगा कि सुशांत ने बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया है और हर प्रोडक्शन हाउस के साथ फिल्में की। और जहां तक ड्राइव की बात है, ड्राइव जो फिल्म ओटीटी पे आ गई, बहुत बीच में बातचीत शुरू हो गई थी कि जानबूझ के इन लोगों ने ड्राइव को ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया, ये किया वो किया। देखो यार, ड्राइव एक फिल्म जो थी वो बड़े एम्बिशन के साथ बनाई गई थी और बदकिस्मती से वो बहुत बुरी बन गई थी, है ना। धर्मा का उस पिक्चर को रिलीज करना ही बहुत बड़ी बात थी। सबने ड्राइव देखी है और हम सब जानते हैं कि उस फिल्म में एक तरह से सुशांत जो है फंस गए थे, आप समझ रहे हैं। तो उस फिल्म को थिएटर रिलीज नहीं मिल सकता था, अनफॉर्चुनेटली। और उसमें सुशांत की कोई गलती नहीं थी और किसी ने उस टाइम पे ये नहीं कहा था कि ये सुशांत की वजह से। ये बातें तो अब आ रही हैं, अब ये बातें बन रही हैं कि अरे सुशांत की वजह से, सुशांत को रोकने के लिए, जबकि ये बातें बिल्कुल झूठ हैं, सच नहीं है। और कुछ अगर हुआ हो, ड्राइव के बारे में मैं जानता हूं क्योंकि मैं धर्मा प्रोडक्शंस के साथ रेगुलरली काम करता रहता हूँ, इसीलिए मैं उस बात को जानता हूँ, समझता हूँ। लेकिन और किसी प्रोडक्शन हाउस के साथ, जो यार उन्होंने यशराज के साथ भी काम किया, उन्होंने हर प्रोडक्शन हाउस के साथ किया, फ्राइडे फिल्म वर्क्स के साथ काम किया, नीरज पांडे की फिल्म की, जहां तक मैं समझता था वो बहुत खुश थे और विनर थे। यार हम सब जानते हैं कितने बड़े विनर थे वो। ये जो हुआ है ये मुझे अभी भी लग नहीं रहा कि सच है, आप समझ रहे हो। ये ऐसा, जब आपको पता लगता है कि ऐसा कुछ हो गया है तो आप भी अपने आप से सवाल करने लगते हो कि यार तुम सो तो नहीं रहे, एक बार जाग जाओ शायद, यू नो। बट बहुत सारे सवाल मेरे भी मन में हैं, जितने ऑडियंस के मन में हैं, लोगों के मन में होंगे। मुझे भी कई सारी चीजें समझ में नहीं आ रही। बहुत लोग बातें बना रहे हैं, बहुत उल्टी सीधी चीजें मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ, लेकिन उनका कोई सिर पैर नहीं है। मैं लोगों को बोलूंगा कि अपना दिमाग लगाएं। अगर आप अपनी आंखों से किसी चीज को देख रहे हैं तो उस चीज को मानिए। जैसा मैंने आपके सामने आज बोल दिया कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता बोलने में कोई शर्म नहीं है। नहीं पता बोल के आप लोगों को गुमराह होने से बचाते हैं। तो वो क्या है, वो एक बड़ी प्यारी सी लाइन है,
स्प्राइट बुझाए, ओनली प्यास। अपनी अकल लगाओ, यू नो, अपनी अकल लगाओ।